नमस्कार सत्यराम, मेरी रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताने वाली हूँ आपको गाजर का हलवा। तो यहाँ मैंने ये लिए 1.5 किलो गाजर, और यहाँ पर दूध लिया है मैंने, जिसको कि मैं गैस पे चढ़ाने वाली हूँ। और यहाँ पर हम लेंगे बूरा और ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद का आप ले सकते हो। गैस हमने दूध चढ़ा दिया है गैस पे, दूध हमारा ओटेगा, उबाला आएगा, तब तक हम हमारी गाजर को छील के घिस लेंगे। देखिए गाइस, ये हमने गाजर को घिस लिया है, इसके पीछे का जो ये डंठल है ये काट के अब हम इसको घिस लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने देखिए पिस्ता लिया है, काजू लिया है, और किशमिश ली है, बादाम की कतरन मैंने कर ली है, और ये खोपरे का बूरा लिया है मैंने जो कि रेडीमेड है, काजू मैंने लिया है और बूरा लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर चीनी ले सकते हो। देखिए गाइस, ये दूध हमारा हो गया है अच्छे से, और अब हम इसमें गाजर डालेंगे। गाजर देखिए ये सारी हमने घिस के तैयार कर ली है, सारी घिस ली है, इसको अब हम दूध के अंदर डालेंगे। गाजर का हलवा भी 2-3 तरीके से बनता है, तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी मेरे आने वाले वीडियो में। कुकर में भी गाजर का हलवा बनता है, और मावे से बिना दूध के भी गाजर का हलवा बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। दूध वाले में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट ये टेस्टी बनता है। ये देखिए इसको, गाजर को आप चाहो तो बड़ा बर्तन आप ले सकते हो, ये देखिए। और मेरे पास मलाई है ये, तो ये सारी मलाई मैं यहाँ डाल रही हूँ। मलाई आप ज्यादा दिन के उपयोग में मत लीजिएगा, ये मेरी 1 दिन पुरानी ही मलाई है जो कि मैंने इकट्ठी करके रख रखी थी, ये मैंने इसमें डाल दी है। क्योंकि मलाई से जो है गाजर के हलवे में टेस्ट बनेगा, मलाई मावा बन जाएगी। और अब मैंने इसको गैस को थोड़ा सा मीडियम कर दिया है, और इसको मैं अब धीरे धीरे इसी तरीके से उबलने दूंगी। ये जो गाजर है वो सारा दूध पी जाएगी, जब तक हम इसको करीबन अभी इसमें 20 या 25 मिनट हमें लगेंगे। तो लगातार इस तरीके से हिलाते हुए मैं इसको उबलने दूंगी। देखिए गाइस, गाजर हमारी अच्छे से पक रही है, दूध में उफान आ रहा है, और इसको मैं बीच बीच में चला रही हूँ। वैसे मेरी ये जो कढ़ाई है नॉन स्टिक है, तो नीचे लगने का तो डर ही नहीं है। बट गाइस आप ध्यान रखिएगा, आप नॉर्मल कढ़ाई में अगर बना रहे हो तो नीचे जलना नहीं चाहिए, लगना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरे हलवे का टेस्ट बिगड़ जाएगा, इसमें जले जले की स्मेल आने लग जाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और ये देखिए दूध हमारा थोड़ा थोड़ा सूखने लग गया है। देखिए गाइस, दूध हमारा पूरा सूख चुका है, ये देखिए। आप चाहो तो ऊपर से आप घी डाल सकते हो, बट मैं घी अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी मलाई डाली है और दूध डाला है। देखिए पूरा मावा बन गया है ये, आप देख सकते हो, ये देखिए मावा। और अब मैं इसमें बूरा डाल रही हूँ। मीठा आप जितना खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप बूरा या चीनी इसमें मिला सकते हो। अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी इसके अंदर। देखिए गाइस, इसी में मैं हमारी जो बूरा है उसने थोड़ी पानी छोड़ दिया है, देखिए। तो ये जब तक सूखेगा हम इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। ये देखिए मैंने खोपरे की कतरन डाली है, और यहाँ पर मैंने बादाम की कतरन डाली है, आप चाहो तो पिस्ता की डाल सकते हो। ये किशमिश में डाल रही हूँ, इसमें काजू में डाल रही हूँ, आप चाहो तो काजू की टुकड़ी करके भी आप डाल सकते हो, बट मैंने साबुत डाले हैं। देखिए अब मैं ये इसकी जो चाशनी ने जो पानी छोड़ा है, ये देखिए वो नहीं सूखेगा, तब तक मुझे इसी तरीके से हिलाना है अभी। और ये पिसा हुआ नारियल का बूरा है, इसको मैंने डाला है, आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो, और इसकी क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हो अगर आपको ज़्यादा ये खाना पसंद है। आप चाहो तो इस कंडीशन पे अभी यहाँ पर घी डाल सकते हो आप, बट हमारी मलाई ने ऑलरेडी यहाँ पर
घी छोड़ दिया है, मतलब मलाई से घी बन गया है, तो मैं यहाँ पे घी नहीं डाल रही हूँ। और ये देखिए जो इसका पानी था वो सूख गया है करीबन, और अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए गाइस, ये हलवा हमारा बनके तैयार है। करीबन इसमें हमें 20 या 25 मिनट इसमें लगे, थोड़ी मेहनत इसमें लगी है, बट बनाया इसी प्रकार से हलवा जाता है दूध में डालकर, तो यही हमें टेस्टी लगता है। बट मैं मेरे आने वाले वीडियो में आपको और कई तरीके से गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइज।